कोरोना वायरस के खिलाफ 48 नियोजित शिक्षकों ने चलाया जन जागरण जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बीज न्यूज 24 के लिए बिहटा बिहार से ब्यूरो संवाददाता वशिष्ठ कुमार की रिपोर्ट। 16 मार्च 2020 को बिहटा प्रखंड के 48 नियोजित शिक्षकों ने बिहटा प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर जमकर मास्क, हैंड वॉश एवं साबुन का वितरण कर लोगों में स्वच्छता के साथ साथ कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेटा अभिषेक आनंद ने 48 शिक्षकों में जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। बेटा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख मानती देवी, उप प्रमुख कुणाल ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। नियोजित शिक्षकों 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों से कोई वार्ता नहीं किया है और फरवरी से हड़ताल पर होने के बाद भी जनवरी माह का भी वेतन नियोजित शिक्षकों को रोक दिया गया है। बेटा प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने भिक्षाटन कर हैंड वॉश, साबुन और मास्क वितरण करने का कार्य शुरू किया है और आज से लेकर 31 मार्च तक प्रत्येक पंचायत में सर्कुलर स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें नियोजित शिक्षक भिक्षाटन करके सामग्री का वितरण करेंगे, साथ ही साथ जनता में जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। आज का कार्यक्रम प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें शामिल थे अमित कुमार, जयकांत, धीरज, विजय सिंह यादव, पंकज पाठक, दीपकांत, दीपू, प्रवीण रंजन, जीतू कुमार, रंजन शिव, अशोक, हरिओम शंकर, रेणु, श्वेता कुमारी, सभी हड़ताली नियोजित थे। थोड़ा सा के लिए देखिए, हाथ बार बार धोना है कोरोना से बचाव के लिए। और बाहर से जब आप आ रहे हैं, कहीं से बाहर से घूमना है, हाथ को चार तरफ से धोना है और पूरा कम से कम इतना ये होना चाहिए और उंगली उंगली सब यानी ये करके अच्छे से धोने के बाद उसके बाद ही में भोजन पानी का इस्तेमाल करना है या किसी से छूना उना है घर के बच्चों को। ये अभियान बिहटा प्रखंड के नियोजित शिक्षक, जो प्रखंड शिक्षक हैं और जो पंचायत शिक्षक हैं, जो दोनों लोग जो आज करीबन ये लोग जनवरी से ये लोग को सरकार वेतन भुगतान नहीं की है, उसके बाद में भी ये लोग कोरोना वायरस को भगाने के लिए, मिटाने के लिए ये लोग दर दर भटक कर चंदा मांग कर हाथ धोने के लिए और मास्क लगाने के लिए ये लोग चंदा कर जनप्रतिनिधि से, पब्लिक से मांग कर ये लोगों ने अभियान चलाने का काम किया है। इन लोगों को जो मांग है वो सरकार को पूरा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को हक बराबर है। एक को मिले 80,000, एक को मिले 30,000, ये कहाँ का नियम है? तो ये लोग को नीतीश बाबू को ये लोग का हक दिया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कहाँ से कहाँ तक अभियान? ये पूरा प्रखंड में अभियान चलेगा। संकुल भाई संकुल, जो भी जितना भी संकुल है प्रखंड में, वो सब संकुल में एक एक दिन दो दो दिन करके हर एक संकुल में, पूरा बिहटा प्रखंड के हर एक संकुल में चलेगा। आपका परिचय? कुणाल कुमार, उप प्रणाम। नियोजित शिक्षक अपने सात सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पे हैं। बिहार सरकार ने उनके हड़ताल से हतोत्साहित होकर के, घबरा करके कोरोना वायरस के नाम पे विद्यालयों में बंद करने का एक आदेश जारी किया है। सही बात है कि अगर कोरोना वायरस का प्रभाव मानव जाति के लिए खतरनाक है, विद्यालय बंद किया गया है, तो शिक्षक भी समाज के अभिन्न अंग होते हैं और समाज में अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले अगर खड़ा होने का कार्य करता है तो शिक्षक समाज आकर के करता है। बिहार के नियोजित शिक्षक अपने हक हकूक की लड़ाई बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने ग्रामीण समाज को, जनता को हम मरते हुए नहीं देख सकते हैं। उनके अंदर कोरोना वायरस के जो भय व्याप्त है, उसके लिए हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम लोगों में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं।
भय को दूर करने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस जितना क्षति हमें नहीं पहुंचा सकता, उससे ज्यादा उसके नाम का भय हमें क्षति पहुंचाने जा रहा है। लोगों में एक पैनिक माहौल खड़ा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वायरस का इलाज भी संभव हो रहा है। जैसा हम लोग मीडिया में देख रहे हैं कि भारत में 3 रोगी ठीक भी हुए हैं और बिहार में तो अभी तक एक भी रोगी पकड़े नहीं गए हैं, एक भी बीमारी नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने एक पैनिक स्थिति खड़ा कर दिया है, विद्यालयों को बंद करके, सिनेमा हॉलों को बंद करके। लेकिन हम शिक्षक अपने अधिकार के लिए जिस तरीके से लड़ते हैं, उसी तरह समाज के जितनी भी समस्या है उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और उसमें कमर कस के तैयार हैं। हमारे हड़ताल फरवरी में शुरुआत हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने हमारे जनवरी महीने का वेतन रोक दिया है। अब सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है, लेकिन हम पैसे की आर्थिक मंदी भी झेल रहे हैं। हमने होली भी नहीं मनाया है, फिर भी समाज को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के साधन हो, चाहे मास्क हो, चाहे हैंड वॉश हो या साबुन हो, हम वितरण कर रहे हैं। उसके लिए हम समाज से ही भिक्षाटन किए हैं। हम लोगों ने, शिक्षकों का एक समूह ने भिक्षाटन किया है और उसी राशि से हम कार्यालयों में और सेवा बस्तियों में जाकर के वंचित वर्ग के शोषित पीड़ित समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, उनको हैंड वॉश का इस्तेमाल करने के लिए सिखाएंगे, साबुन का इस्तेमाल करने के लिए सिखाएंगे और स्वच्छता पे ध्यान देने की बात करेंगे। हाथ नहीं मिलाना है और समूह में नहीं रहना है, भीड़ में नहीं रहना है। हमारा संगठन ने भी तय किया है कि हमारा जो प्रतिदिन धरना प्रदर्शन चलता था उसको हम लोग कैंसिल कर दिए हैं। अब जन जागरूक अभियान चलेगा और बिहटा प्रखंड के तमाम पंचायतों में 14 संकुल है हमारा, वो 14 संकुल में प्रत्येक दिन हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे स्वच्छता के लिए, जागरूकता के लिए, कोरोना वायरस के खिलाफ में। और सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं हमारी मांग को पूरी करें। नियोजित शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जो उनका सामाजिक दायित्व भी है। नियोजित शिक्षा जो आप चला रहे हो, जो आप अपना